नमस्कार। आज जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि स्वर्ण प्राशन से संबंधित घृत एक ब्राह्मी घृत है, उसके निर्माण की विधि बताया जाए। हालांकि जहां पे स्वर्ण प्राशन का वर्णन है वहां पर शुद्ध गोघृत लेने के लिए कहा गया है, फिर भी कुछ वैद्यों ने अपनी युक्ति प्रमाण लगाते हुए मेध्य गुणवर्धन के लिए इस ब्राह्मी घृत का प्रयोग गोघृत के स्थान पर किया हुआ है स्वर्ण प्राशन में। तो जो लोग करते हैं उनके लिए भी और जो बीएमएस और एमडी आयुर्वेद के छात्र हैं उनके लिए भी ब्राह्मी घृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसी को हम लोग देखेंगे, ब्राह्मी घृत के बारे में जानेंगे। तो हमेशा के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह इसका संदर्भ देखेंगे, रेफरेंस। तो इसका जो संदर्भ है, एक तो ये बहुत सारे संदर्भ हैं, कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में एक तो चरक चिकित्सा में ब्राह्मी घृत का वर्णन है, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में अपस्मार चिकित्सा के अंतर्गत। इसी को जब टीका किया है आचार्य चक्रपाणि ने तो उन्होंने चक्रदत्त की जो अपस्मार चिकित्सा है वहां पे भी ब्राह्मी घृत का वर्णन किया है। इसी तरह से आचार्य भाव मिश्र ने भाव प्रकाश में भी ब्राह्मी घृत का वर्णन किया है और भी अनेक संहिताओं में ब्राह्मी घृत मिलता है। ब्राह्मी घृत को याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा इसका दो लाइन का श्लोक है तो बहुत सारे बच्चे इसको श्लोक से डायरेक्ट याद कर लेते हैं, तो एक छोटा सा श्लोक हम लोग याद कर सकते हैं। ब्राह्मी, जो लोग श्लोक याद करने में सक्षम है वो श्लोक याद कर लेंगे, नहीं तो इसका एक ट्रिक भी बताएंगे। तो श्लोक है ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठ संघ पुष्पी भेरेव चल। बहुत सिंपल सा, केवल इसके इंग्रेडिएंट्स एक लाइन में याद किए जा सकते हैं। ब्राह्मी घृत है तो ब्राह्मी से ही इस श्लोक की शुरुआत है। ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठ संख पुष्पी भीरे वचा, बस इतने ही इसके इंग्रेडिएंट हैं। देखिए, ब्राह्मी रस है, वचा है, कुष्ठ है, संख पुष्पी है, बस इतने ही इंग्रेडिएंट है। तो एक लाइन में आप इसके इंग्रेडिएंट्स याद रख सकते हैं। ये जो चरक आचार्य चरक ने बताए हुए हैं श्लोक, ये एक तरह का कोड फॉर्म ही है, कोड वर्जन, पोएटिक वर्जन में ही पूरा आयुर्वेद लिखा हुआ है। तो ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठ संख पुष्पी भीरे वचा, केवल एक लाइन में आप इसके इंग्रेडिएंट याद रख सकते हैं। और दूसरी लाइन जो है इसके इंडिकेशंस के लिए है, वो कहते हैं पुराणम, सबसे पहले लिखा है पुराणम। पुराणम से दो अर्थ ले लेते हैं, एक तो पुराना हो जाए ये घी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में पुराण घृत का बहुत सारा महत्व है, औषधि गुण में वर्धन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पुराणम से एक अर्थ है कि ब्राह्मी घृत जो है जितना पुराना यूज किया जाए उतना बेहतर है, और दूसरे पुराणम का अर्थ लिया जा सकता है कि जो डिजीज की बात की गई है उन डिजीज की पौराणिकता में, कि जितने पुराने बीमारी हो उसमें भी ये घृत काम करता है, इसलिए लिखा है पुराणम मेध्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है मेध्यम, ये जो मेध्यम शब्द लिखा है इसी के कारण इस घृत का प्रयोग कुछ आचार्य युक्तिवत स्वर्ण प्राशन के लिए करते हैं, क्योंकि स्वर्ण प्राशन का भी अगर प्रभाव, बहुत सारे उसके उपयोग हैं, उनमें अगर मेध्य गुण के लिए आप कर रहे हैं, मेधा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मी घृत का प्रयोग वहां कर सकते हैं। तो श्लोक कहता है पुराणम मेध्य उन्माद ग्रह अपस्मार नुत घृतम, ये दूसरी लाइन है श्लोक की, पुराणम मेध्यम उन्माद ग्रह अपस्मार नुत। ये इसके इंडिकेशन है कि कहां कहां पे दिया जाएगा। पुराणम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से लिया जा सकता है। कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि ब्राह्मी घृत जो है जितना पुराना होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा इन चीजों में, इसमें किसमें, एक तो मेध्य है,
मेधा को बढ़ाने के लिए जहां इंटेलेक्ट को बढ़ाना है, दूसरा उन्माद साइकोसिस की जो प्रॉब्लम होती है उन्माद उसमें इसका प्रयोग बताया गया है, तीसरा इंडिकेशन इसका ग्रह रोगों में जो ग्रह बाधा होती है उसको नष्ट करने में, जो भूत विद्या के अंतर्गत आयुर्वेद का जो अष्टांग है उसमें से एक भूत विद्या है, उसमें ग्रह बाधा जो होती है उन ग्रह बाधा को नष्ट करने में भी ब्राह्मी घृत का प्रयोग है, और तीसरा चौथा उपयोग इसका है अपस्मार, एपिलेप्सी से कोरिलेट करते हैं हम लोग अपस्मार को, हालांकि चार प्रकार के अपस्मार है तो अपस्मार में भी इसका प्रयोग, नुत मतलब नष्ट करने वाला है ये घृत। बहुत सिंपल सा है, ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठम शंख पुष्पी भीरे वचा, ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए, पुराणम मेध्यम उन्माद ग्रह अपस्मार नुत, ये इसका इंडिकेशन हो गए। तो इस तरह से जो बच्चे श्लोक याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर श्लोक फॉर्म में याद करेंगे 10 बार इसको बोलेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा कि ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठम शंख पुष्पी भीरे वचा पुराणम मेध्यम उन्माद ग्रह अपस्मार नुत कृतम, तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। अब इसको जरा हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं, जिन बच्चों को श्लोक नहीं भी याद होता है वो घबराएंगे नहीं, उनके लिए आपको बता दें कोई भी घृत हो, अपने स्नेह कल्पना में पढ़ा है कि घृत बनाने का एक यूनिवर्सल मेथड है, उसमें तीन चीजें होती हैं, कल्प स्नेह और द्रव। स्नेह कल्पना जो भी बनती है सामान्यतः घृत और तैल ही होता है, वर्षा मज्जा वगैरह कम प्रयोग में दिखती हैं आयुर्वेद औषधि में, लेकिन घृत और तैल का निर्माण में कॉमन विधि है कल्क स्नेह और द्रव, ये तीन चीजें होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्नेह है घृत में, जब भी स्नेह अगर कुछ नहीं बताया गया है तो घृत लेना है, कौन सा घृत लेना है, गो घृत, गाय का घी यूज करना है स्नेह में, ठीक। द्रव में लिक्विड कौन सा लेना है, तो ब्राह्मी रस जो बताया गया है, ब्राह्मी का स्वरस, ब्राह्मी आप जानते हैं बकोपा मुंदरी एंद्री से भी कोलेट करते हैं कुछ लोग, उसके स्वरस को यूज करना है द्रव में, ब्राह्मी का स्वरस यूज करना है। अब जो कल्क है, कल्क में ये सारे इंग्रेडिएंट, ये ब्राह्मी अलग से भी है और रसे अलग से है, तो ब्राह्मी और ब्राह्मी का स्वरस यहां पर दो अर्थ में लेना है, ब्राह्मी कल्क में भी यूज होगा और ब्राह्मी का जो स्वरस है वो द्रव के स्थान पर यूज होगा, ये इसमें ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे। यहां पे मैं श्लोक को थोड़ा सा यहां से हटाऊंगा, तो यहां से देखेंगे कल्क के लिए कोड, जो लोग श्लोक याद कर लेंगे पहली लाइन उसका कि ब्राह्मी रसे वचा कुष्ठम शंख पुष्पी भीरे वचा, केवल इतने इंग्रेडिएंट है, अगर ये भी याद करने में दिक्कत होगा तो आप याद कर सकते हैं कि ब्राह्मी को बचा संघ पुष्पी, ये याद रख लिया, ब्राह्मी को बचा संघ पुष्पी, तो ब्राह्मी का मतलब ब्राह्मी ही हो गया, को का मतलब कुष्ठ या हिंदी में कूठ जिसको बोलते हैं, कूठ है, वचा है और शंख पुष्प, ये इसके कल्क द्रव्य हो गए। कल्क द्रव्यों की मात्रा कितनी है, तो याद रखेंगे एक एक पल है प्रत्येक, एक पल ब्राह्मी, एक पल कुष्ठ, एक पल वचा, एक पल शंख पुष्प, तो एक एक पल, एक पल का मतलब आपको पता ही है 48 ग्राम, तो 48 48 ग्राम, ये चारों इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं। इसके बाद जो गोघृत है, इस गोघृत को ये टोटल देखिए चार पल हो गया, एक एक पल चारों इंग्रेडिएंट जब लिए तो चार पल हो गया, और 1:4:16 का रेशियो जनरली रखा जाता है स्नेह पाक में, कल्क अगर एक भाग है तो इसका चार गुना स्नेह होगा और स्नेह का चार गुना यानी कल्क का 16 गुना ये द्रव होगा, तो यही रेशियो रखना है। गोघृत जब रखेंगे तो 4 × 4 यानी 16 पल रखना है, और हम जानते हैं कि जो 16 पल होता है उसको एक प्रस्थ मान सकते हैं, एक प्रस्थ कहते हैं, एक प्रस्थ, एक प्रस्थ की मात्रा हम लेंगे 7:68 ग्राम, और ये इसका भी 4 टाइम रहेगा, जो ब्राह्मी स्वरस है ये एक आढ़क की मात्रा में लेंगे,
एक आढ़त 3.072 लीटर, इतना ब्राह्मी सोरस यूज करना। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। कल्क में ब्राह्मी, कूट, वचा और संखपुष्पी, इन सबको एक एक पल लेना है। गोघृत, गाय का घी यूज करना है एक प्रस्थ यानी 768 ग्राम, और ब्राह्मी सोरस को यूज करना है एक आढ़त यानी 3.072 लीटर। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसको बनाने की विधि बहुत सिंपल, जैसा कि हर घृत में करते हैं। घृत पाक के टाइम में सबसे पहले गाय का घी लेंगे, उसको भगोने में थोड़ा गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद आग से उतार देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर जितने कल्क द्रव्य हैं इन सभी का कल्क ले बना के कल्क बना लेना है, और उसकी बॉल्स बना के उस घी में, और ये स्वरस जो लिया गया है एक आढ़त की मात्रा में उसको डाल देना है। फिर स्नेह सिद्धि के लक्षण आने तक, स्नेह पाक में आपको बताया था स्नेह सिद्धि के लक्षण, वो लक्षण जब आ जाएंगे तो इसको उतार लेना है, उतार के छान लेना है, और ये जो घी है उतार के इसको ठंडा करके शीशियों में भर के सुरक्षित रख ले। यही ब्राह्मी घृत है। इसके डोज की बात अगर करें, इसका जो डोज है, मात्रा है, वो एक पल ही है, ध्यान रखेंगे एक पल यानी 48 ग्राम घी देना है। जनरली हम लोग इसको डिवाइडेड डोज में दे देते हैं, मतलब हाफ पल, अर्ध पल बीडी, मतलब 24 ग्राम बीडी दे सकते हैं, सुबह 24 ग्राम, शाम को 24 ग्राम, या अपने युक्ति का प्रयोग करते हुए एक बार में भी एक पल दिया जा सकता है। ये ब्राह्मी घृत की डोज है। सामान्यता ये जो डोज है ये वयस्कों के लिए है, एडल्ट के लिए है, बच्चों में उसी के अनुसार तद अनुसार जो काश्यप ने परिवर्तन के लिए बताया है, काश्यप के फार्मूले से चेंज करके बच्चों में निकालेंगे। तो बड़ों में इसकी डोज है एक पल ब्राह्मी घृत की। और इसका जो अनुपान है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अनुपान पे ध्यान देना चाहिए कि मिश्री युक्त गोदुग्ध, गाय का दूध उसमें मिश्री मिला के उसके माध्यम से देना चाहिए इस घी को, ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग आपको जो श्लोक की सेकेंड लाइन में पुराणम मेध्य उन्माद ग्रह अपस्मार, तो इतने इसके इंडिकेशन हो गए। पुराणम मेध्य, तो मेध्य के लिए यूज होता है, उन्माद में यूज होता है, ग्रह बाधा में यूज होता है, और अपस्मार में यूज होता है। तो इतने इसके इंडिकेशंस हो गए कि, और जो स्वर्ण प्राशन में यूज किया जाता है इसी मेध्य के कारण इसका प्रयोग स्वर्ण प्राशन में कुछ वैद्य करते हैं। तो ब्राह्मी घृत के बारे में सारी डिटेल आप जान गए हैं। अगर कोई और जानकारी चाहिए ब्राह्मी घृत से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी अन्य औषधि के बारे में अगर आपको तुरंत जानना हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई मेडिसिन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय आयुष, जय भारत, नमस्कार।